देखिए, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रति जो विश्वास व्यक्त किया। अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि पूरी मेहनत करके, पूरी लगन के साथ, जिस प्रकार से हमने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम किया, उसी प्रकार से हम नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में पूरी लगन के साथ और मेहनत के साथ काम करेंगे और जनता की जो समस्याएं उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। सर देखिए, इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत ज़ोरदार स्वागत किया यहाँ पर। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो नीतियाँ आदरणीय मनोहर लाल जी ने बनाई, निष्पक्षता के साथ काम करने की, और जिस प्रकार से पूर्व सरकारों के मुकाबले में बहुत तेज़ गति से विकास हुआ, तो उस गति को हम कम नहीं होने देंगे और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, अभी जो आम चर्चा है, जितनी हमें जानकारी है, उसमें तो यही है कि अभी लोकसभा का ही चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव अपने समय पे होगा, लेकिन फैसला तो चुनाव आयोग को करना है। संगठन 100% तैयार है भारतीय जनता पार्टी का, और हमारे जो त्रिदेव है, जो हमारे यहाँ एक बूथ पे जो 3 कार्यकर्ता हैं, उनका हमने बैठक भी ले ली और हमने लोकसभा का कार्यालय, विधानसभा का कार्यालय, सब कार्यालय खोल लिए, तो हमारी पूरी तैयारी है। देखिए, निश्चित तौर से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि अब की बार हमने जो एक बहुत बड़ी, एक देश के सामने एक बड़ी समस्या थी जो अलगाववाद को पैदा कर दी थी और एक कलंक था, मैं समझता हूँ, तो उस 370 को हमने समाप्त कर दिया, और उसके समाप्त होने से जो विकास की दर है, वो जम्मू कश्मीर की विकास की दर में बहुत बड़ा उछाल आया और लोग भी वहाँ पर खुश हैं, तो वो भी है। और दूसरी बात ये भी है, उस 370 को समाप्त किया, तो अब की बार 370 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी को जीतनी है, उसने उन्होंने कार्यकर्ता को ये आह्वान किया है। तो मैं पूरा दावे के मजबूती के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में जैसे 10 की 10 सीटें पहली बार हमने पिछली बार जीती थी, उसी प्रकार इस बार भी 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसकी जो भूमिका है वो कुछ, मतलब कोई जो रचनात्मक भूमिका है वो नहीं है, जो पूरे देश में जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, यानी कि जो मुद्दे होने चाहिए वो मुद्दे उनके हैं नहीं। मतलब अगर भारत, जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अभी दुनिया के जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं वो मान रहे हैं कि 2027 तक भारत एक तीसरी बड़ी ताकत बनने वाला है, 2047 तक उन्होंने एक टारगेट रखा कि हमने विकसित भारत बनाना, एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे भारत को, तो उस पर कोई चर्चा नहीं है, वो और अन्य चर्चाओं में कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उन्हें पूछना चाहिए था भी कैसे बनावेंगे, या उन्हें कहना चाहिए था हम पहले बना देंगे, तो इस प्रकार के मुद्दे नहीं है, जो मुद्दे हैं वो गैर जरूरी हैं, मैं समझता हूँ वो मुद्दा उनके पास है। नहीं 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 नह
बजाओ।